हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज हम हमारी गार्डन में आए हैं, तो है ना, इतनी गर्मी पड़ी दोस्तों। अभी 8 दिन से गर्मी और वह लू जक्कर बोलते हैं हम। तो देखिए, हमारे पपीता का पौधा भी सूख गया जक्कर की वजह से, लू की वजह से। बहुत तेज़ गर्मी थी दोस्तों, तो सब सूखे सूखे हो गए। देखो इधर भिंडियाँ भी जाने कैसी हो गई। 47-48 डिग्री टेम्परेचर था दोस्तों, इस वजह से ना हम तो दिन में 8-9 बजे के बाद तो बाहर भी नहीं निकल सकते। सुबह बहुत गर्मी थी ना, तो सारे पौधे झुलस गए गर्मी की वजह से। देखो इधर ये मक्का पूरी ख़राब होगी, पहले बहुत अच्छी थी बेचारी। और ये इधर है ना मिर्चियाँ हैं, तो इनके तो ये छाँव कर रखी है ना, तो इनके लू नहीं लगी ज़्यादा। और ये हमने ना इसमें गोबर का खाद डाल रखा है, हल्दी और अरबी लगाएंगे ना, तो अभी 10-15 दिन बाद लगाएंगे, ताकि जहाँ तक गर्मी कम हो जाए, नहीं तो फिर गर्मी की वजह से वह है ना नहीं उग पाएगी, ख़राब हो जाएगी अंदर ही, तेज़ गर्मी पड़ेगी ना, इसलिए। ये देखिए अभी सूरज भी नहीं निकला, और आज है ना सुबह सुबह बहुत बदल हो रखे हैं। देखो हाँ, ये देखो ये केले का पौधा तो पूरा ही सूख गया बेचारा गर्मी की वजह से, बहुत तेज गर्मी थी ना। और देखो कैसा पक्षी है वहाँ पे, वो उठ गया। बहुत तेज गर्मी थी ना, तो पूरा ही सूख गया, इसकी लू लग गई। और जबकि मैं ना पानी भी रोजाना एक दिन छोड़ के एक दिन डालता हूँ, अच्छे से गच्च कर देता हूँ इसमें, फिर भी लगी तो लगी कि मैं क्या करूँ अब उसका। तो देखिए मैंने दाने डाले थे ना दाने, तो आ गई ये गिलहरियाँ खाने। गिलहरियाँ हैं बहुत सारी, मोर भी खा रहा है एक, और वो वहाँ पे पानी का रखा है ना, तो वो देखिए चिड़िया पानी पी रही है उसमें। सुबह सुबह प्यास लगी है इनको, इधर खा लेती है और इधर पी लेती है। ये देखो दूसरी वाली भी आ गई, वो उठ गई। सुबह सुबह बहुत शांत माहौल है, ज़्यादा आवाज़ें भी नहीं आ रही किसी की, इन पक्षियों की इनकी आवाज़ आ रही। वो देखो, और ये देखो दोस्तों नींबू का पौधा था ना, तो इसके भी पत्ते झुलस गए गर्मी की वजह से। देखो पूरे पत्ते झुलस गए, देखो बहुत तेज गर्मी थी ना इसलिए। और इसमें पानी भी डालते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, सब में पानी पिलाता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन क्या करें गर्मी तो गर्मी है। ये देखिए सामने वाली वो लगी हुई है मधुमालती, तो वो भी सूखी सूखी हो गई। देखिए देखिए एक वहाँ है ना नंदी बाबा के कानों में, जाने क्या बोलती है। देखो और सामने देखो बकरियाँ आ गई, चराने जा रहे होंगे ना जो। और ये देखिए हमारे गुड़हल का पौधा है, तो ये है ना मैंने कटिंग से लगाया था, कहीं से लेके आया था इसकी कटिंग। तो ये
हमने बरसात में लगाया था पिछले साल, तो इतना बड़ा हो गया, फूल भी बहुत आए इसके। ये देखिए एक फिर आ रहा है, खिलेगा आज ही। और इधर भी आ रहे हैं कुछ छोटे छोटे, ये देखो कलियाँ आ रही है, तो ये भी खिले। गर्मी की वजह से खिल ही नहीं पाते, बस बड़े होके नीचे गिर जाते पीले होके। ये सब खत्म हो गए गर्मी की वजह से। और हमारी सब्जी है ना खाली खाली होगी, देखो। और वो देखो वहाँ पे सूरज निकला सामने, दिखा आपको? वो देखो वहाँ से निकल रहा है, अभी निकला नहीं है पूरा। तो हमारे गन्ने बचे हैं और तो है ना सब खत्म हो गए। अब बरसात आएगी ना तो उससे पहले करेंगे लगाने की तैयारी। और ये भी खाली है अभी, तो इसमें भी लगाएंगे कुछ। देखो भैंसों की आवाज आ रही है, गिलहरियों का खाना, बग्गी। ये देखे हमारी गाय, तो अब मैं इनको भगा के आता हूँ जो खेत में चर के आ जाएगी। ठीक है, राधे राधे लच्छू मारती और शैतान। वो देखे कौन सी चिड़िया, काली वाली।